वडोदरा में चुनाव के दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने फिर से दौरे शुरू कर दिए हैं, फिर से प्रचार शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर से वडोदरा में दहाड़ने वाले हैं और इसके बाद एंट्री होने वाली है जीत की गारंटी की, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कल बांसवाड़ा और भीमाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन के वडोदरा दौरे पर हैं ही। कल शाम को 5 बजे के बाद आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना भी था, जब 6 बजे वोटिंग बंद होने वाली थी 12 सीटों पर, तो बाकी की बची हुई 13 सीटों पर प्रचार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कल भोपालगढ़ में थे। फिर उसके बाद उन्होंने उदयपुर में रोड शो किया और आज गृह मंत्री अमित शाह सुबह 10 बजे शक्करगढ़, फिर भीलवाड़ा में जनसभा को प्रस्तावित जो है वहां पर संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पक्ष में माहौल बनाएंगे, आम सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। बात अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाए तो आज योगी आदित्यनाथ 12:45 पर निम्बाहेड़ा में रोड शो करेंगे और माल गोदाम से शेखावत सर्कल तक करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो योगी आदित्यनाथ का होने वाला है। दोपहर 2:30 बजे भीम के मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम भी योगी आदित्यनाथ का है और फिर शाम को 4:20 पर जोधपुर में एक रोड शो है योगी आदित्यनाथ का। अब इसके बाद बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखिए, बांसवाड़ा में दोपहर 1 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, उससे पहले सुबह 11 बजे भीमाल में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ जुड़ गए, सीधे विष्णु का रुख करते हैं। विष्णु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम भविष्य के हैं, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दो बड़े चेहरे, क्या ये 13 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज बढ़वा पाएंगे, क्या ये बीजेपी के पक्ष में माहौल बना पाएंगे और क्या इनके दौरे उतना असर दिखा पाएंगे? क्योंकि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सीटों के लिए 6-6 दौरे कर चुके थे। अब बिल्कुल हार्दिक, क्योंकि कल पहले चरण के मतदान खत्म हुआ वो अच्छे संकेत में थे, क्योंकि परसेंटेज बहुत कम थी। लगातार अमित शाह बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए भी नजर आ रहे थे कि वोटर्स को बाहर निकाले, गर्मी भले रहेगी लेकिन वोटर्स को बाहर निकाले। वो संभवतः उनकी अपील कारगर इन 12 सीटों पर नहीं हो पाई। लगातार जयपुर में भी जब उन्होंने बैठक ली थी पूरी लोकसभा क्लस्टर्स की, जयपुर उदयपुर और जयपुर, तब भी उन्होंने सबको यही ताकीद किया था कि 25% वोटर्स ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि पार्टी जीत गई, उसके बावजूद उन्हें बाहर नहीं निकाल पाते हैं, वो वोट देने नहीं पहुंचते पोलिंग सेंटर पर। खासतौर से ऐसे वोटर्स को लाए और जो नया यूथ वोटर शामिल हुआ फर्स्ट टाइम वोटर्स, इसको मतदान केंद्रों तक लाए। अब दूसरे चरण में अब आज से यानी कल से ही नेताओं के दौरे शुरू हो गए, लेकिन अगर माना जाए तो आज से लगातार ताबड़तोड़ दौरे यहाँ पर रहने वाले हैं। उसको देखते हुए अब संभवतः अपने मतदान जो संबोधन करेंगे उसमें यही अपील होगी नेताओं की कि मतदान के लिए जरूर पहुंचे। लोकतंत्र से आउती है, 5 साल बाद आती है, सबको मतदान करना चाहिए। आज भी अमित शाह 2 जगह उनकी रैली सभा होगी, वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ 2 रोड शो करेंगे, 1 जगह जनसभा करेंगे। तो कुल मिला के ये है कि अब दूसरे दौर का प्रचार जो है पूरे चरम पर आ चुका है, लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लगातार की सभाएं होगी, रोड शो होगा। आज अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की तो दोपहर में अभी करीब 1:45 पर निमाहेड़ा पहुंचेंगे और वहां पर 1 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। अब उस रोड शो के दौरान कितना समर्थन रहता है, क्या रहता है, वो तमाम देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फाइव ब्रांड नेता माना जाते हैं, तो वो उनका क्योंकि ये इलाका हिंदुत्व प्रो हिंदुत्व का भी है, तो ऐसे में रोड शो के दौरान लोग तो रहेंगे ही, लेकिन साथ ही वो कितना इम्पैक्ट बढ़वा पाते हैं कि मतदान कितना जरूरी, कितना आगे तक लोग वहां मतदान केंद्रों तक पहुंचे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि चुनाव आयोग और तमाम जो संस्थाएं उन्होंने बहुत प्रयास किए थे पिछली बार भी कि ये मतदान बढ़े, लेकिन सबने देखा कि इस बार पहले चरण के जो 12 सीटें थे उनको मतदान नहीं बढ़ पाया। ऐसे में सबकी तमाम लोगों की कोशिश होगी, पार्टियों की कोशिश होगी, राजनीतिक दल तमाम है उनकी कोशिश होगी कि दूसरे चरण में मतदान बढ़े।
खैर अभी एक चुनाव प्रचार को गति यहाँ पर मिलने वाली है। लगातार कैंडिडेट अपने प्रचार कर रहे थे और बड़े नेता है उनकी एंट्री यहाँ पर हो गई। हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी बाड़मेर आके गए थे और अब कल दो जगह भीमबाल जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के भीमबाल में आएंगे और फिर बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी कर जाएंगे। चलिए देखते हैं कि ये शाह फैक्टर, मोदी फैक्टर और योगी फैक्टर, तीनों फैक्टर मिल करके क्या इन 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा पाते हैं और क्या बीजेपी के पक्ष में वोट डलवा पाते हैं या नहीं। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए विष्णु।